अब आपके शहर गया में आ गया है ऑनलाइन डिलीवरी फ्रेश शू द्वारा सर्विस दिया जाता है। एमएलसी चुनाव में गया जहानाबाद अरवल से लोजपा रामविलास पार्टी से सतेंद्र शर्मा चुनावी मैदान में हैं। इनके समर्थन में आज बिहार प्रदेश के कई नेता गया आए हुए थे। अरुण कुमार, हुलास पांडे, संजय रविदास, जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, लोजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह सहित हजारों की संख्या में समर्थक आज गया में देखने को मिले। प्रत्याशी सतेंद्र शर्मा का कहना है कि मैं खुद एक प्रमुख हूं और कई वर्षों से मुझे इस कार्य का अनुभव है और पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। बिहार टुडे के लिए चंदन भारती की रिपोर्ट। उन लोग अपना वोट भी देने का अधिकारी नहीं है। जीतने के बाद क्या आपका प्राथमिकता रहेगी? जीतने का बाद रहेगा कि क्षेत्र बाढ़ सदस्य की समस्या का समाधान हो, जो भी योजना अधूरा है उसको पूरा हो। पहला समस्या है कि सिंचाई वगैरह का जो समस्या है उसको मैं पूरा करूँगा, नहर लाइन कटवाऊँगा, शिक्षा की व्यवस्था कराऊँगा। क्या लगता है सर, दो पार्टी के बीच आपका अंतिम एंट्री हुआ लेकिन जबरदस्त एंट्री हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दो पार्टी का एंट्री पहले हो चुका था, बाद में मेरा टिकट कंफर्म हुआ, लेकिन मैं दो महीना पहले से ही इस काम में लगे हुए थे क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि 3 बार से लगातार प्रमुख हूँ और प्रमुख संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं हुलासा प्रखंड से प्रमुख हूँ और जहानाबाद जिला का प्रमुख संघ का अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बाढ़ सदस्य की बहुत समस्या है, समिति का भी समस्या है, मुख्यालय का समस्या है, जिला परिषद का समस्या है, जितना भी समस्या है उसको मैं पूरा करूंगा। समस्या है कि अभी तक किसी का मानदेय नहीं मिला, समय अनुसार बाढ़ सदस्य आज तक पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए जो भी समस्या है उसको मैं पूरा करूंगा। आज तक जितने भी जीते हैं